हेलो दोस्तों दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ फ्लोट बल्ब के बारे में। फ्लोट बल्ब क्या होता है, कैसे काम करता है और कहाँ कहाँ पे ये लगाए जाते हैं। दोस्तों साथ ही साथ अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबा के आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो में लाइक कमेंट जरूर करें। तो दोस्तों चल सबसे पहले मैं बताता हूँ फ्लोट बल्ब। दोस्तों ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये एक PVC फ्लोट बल्ब है और इसका बनावटी यहाँ पर देख सकते हैं। एक इसमें एक बॉल साइड में दिया हुआ रहता है जो एक फुटबॉल की तरह एक बॉल होता है, इसमें पूरा हवा भरा हुआ रहता है और ये एक बॉल होता है जो पानी में नहीं डूबता है, पानी के ऊपर ही में रहता है ये बॉल। और इसमें एक रॉड से कनेक्ट होता है और यहाँ पे एक बल्ब होता है जो एक इसको ऊपर नीचे करने से इसका जो अंदर का पार्ट होता है वो ऑन ऑफ होता है, पानी को आने नहीं देता है। और दोस्तों फ्लोट बल्ब इसका काम कहाँ कहाँ पे लिया जाता है मैं आपको बताता हूँ। फ्लोट बल्ब ज़्यादातर सप्लाई लाइन जो होते हैं हमारे घरों में, जो सप्लाई लाइन शहर में सप्लाई लाइन जो होते हैं वो पानी जब हमारे घरों में टैंकी भरता है तो उसको वहाँ पे फ्लोट बल्ब को ज़्यादातर यूज किया जाता है। यूज इसलिए किया जाता है कि जो फ्लोट बल्ब होते हैं उसमें जो टैंकी के पानी होते हैं वो ओवरफ्लो जो होते हैं वो ओवरफ्लो को होने नहीं देता है। ये ऑटोमेटिक फ्लोट बल्ब जो होते हैं वो ऑटोमेटिक टैंकी जब पानी फुल हो जाता है तो वो ऑटोमेटिक टैंकी को पानी को आना बंद कर देते हैं और पानी का बचत भी होता है इसको लगाने से। और दोस्तों इसका ये इसका बनावटी जो होता है ये PVC में मिलता है, GI में मिलता है, पीतल में बहुत सी तरह के ये मिलते हैं और इसका साइज लगभग 1 इंची से लेकर 1/2 इंची 1.5 इंची भी मिल जाता है। और दोस्तों इसको जो हमारे घर में जो पेन लगे हुए रहते हैं उसका सिस्टम फ्लश टैंक लगे हुए रहते हैं उसमें ये छोटे से फ्लोट बल्ब लगे हुए रहते हैं हमारे फ्लश टैंक में और वहाँ पर भी ये काम में आते हैं। और दोस्तों जो इसका प्राइस होता है ये 200 से 300 लगभग होते हैं PVC वाला, और भी ज़्यादा के भी होते हैं, GI के भी होते हैं, बहुत सबके अलग अलग प्राइस होते हैं और ये प्लम्बिंग के दुकान में आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, मिल जाते हैं। तो दोस्तों आगे मैं बताता हूँ टंकी भी ये किस तरह से लगाए जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो में पूरा बना रहिए, आगे मैं आपको बताता हूँ टंकी भी ये किस तरह से लगाया गया है। दोस्तों जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे ये टंकी का इनलेट कनेक्शन है, इससे टंकी में पानी इनलेट होता है, भरता है पूरा। और यहाँ पे नीचे पे दिखाई दे रहा है आपको एक फ्लोट बल्ब यहाँ पे लगा हुआ नज़र आ रहा है आपको। और अभी यहाँ पे ये टंकी पूरा फुल हो गया है, जब ये इसका फ्लोट बल्ब जब ये टंकी फुल होता है तो ये इसका बॉल होता है जो ऊपर आ जाता है, उसके बाद में ये पानी को लॉक करता है। और जब टंकी खाली होता है तो उसका बॉल होता है वो नीचे की तरफ होता है, उससे पानी पूरा इनलेट टंकी में होता है। और जब ऊपर की तरफ आता है तो टंकी में को जब पानी इनलेट होने वाला होता है वो बंद हो जाता है। और दोस्तों ये फ्लोट बल्ब ज़्यादातर सप्लाई लाइन में ही लगाए जाते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि समरसेबल मोटर पंप के इनलेट लाइन में लगाएं या मोटर पंप किसी और मोटर पंप, तो वो चीज़ ये फ्लोट बल्ब उस समरसेबल या मोटर पंप में नहीं लगाए जाते, सिर्फ सप्लाई लाइन जो होते हैं इसमें फ्लोट बल्ब को यूज किया जाता है। दोस्तों तो आज की इस वीडियो में आपको कुछ फ्लोट बल्ब बारे में बहुत चीज़ के बारे में आपको समझ आ गया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।